हरे कृष्णा, मैं भुवन सुंदरी राधा देवीदासी गोविंदास क्यूजिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भोगा ऑफरिंग्स के लिए मूंग को हम अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कभी साबुत मूंग तो कभी उसकी दाल या फिर उसके स्प्राउट्स बनाते हैं। आज हम बनाना जा रहे हैं बहुत ही डिलीशियस डिश, और जो है खट्टा मूंग, जो गुजराती क्यूजिन है। यह जो खट्टा मूंग है वह एक प्रकार की मूंग की कढ़ी भी हम कह सकते हैं। इसकी अपनी एक यूनिकनेस है, और इसमें मूंग जो है वह दही बेस्ड जो ग्रेवी होती है उसमें सिमर किया जाता है। और यह जो है वह गुजराती घरों में बहुत ही कॉमन डिश है खट्टा मूंग, जिसे चपाती के साथ सर्व करते हैं। यह एक न्यूट्रिशियस डिश है, और यह हेल्दी होने के साथ साथ हम इसे बहुत ही जल्दी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खट्टा मूंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा कप मूंग लिए हैं। इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 बार वॉश करके बाद में हमें इसे कुकर में ले लेना है। आधा चम्मच जितना नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हम 2 कप पानी मिलाएंगे। अब कुकर को बंद करके लो फ्लेम पर हमें इसकी 4 विसल बजानी है। 1 घंटा हो गया है करीबन, आइए चेक कर लेते हैं। मूंग जो है वह अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। साइड में रखेंगे। दही का घोल बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप दही लिया है, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून जितना बेसन या चने का आटा। इसे हम अच्छे से बीट कर लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। वैसे तो हमें मूंग बनाने के लिए उसे भिगोना पड़ता है, बाद में हम बनाते हैं, बट इस रेसिपी में हमें मूंग को भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह रेडी है। अब हम इसमें 2 कप जितना पानी मिलाएंगे, एक बार फिर से विस्क कर लेंगे। यह बिल्कुल तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। कढ़ाई को गर्म करेंगे और 1 टेबलस्पून जितना घी लेंगे। एक चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों, 1/4 चम्मच मेथी के दाने, 2 हरी मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच किसा हुआ अदरक। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पर सौते कर लेंगे। 1/4 चम्मच जितनी हींग लेंगे और थोड़े से करी पत्ते। अब हमने जो दही का घोल तैयार किया था वह हम इसमें डालेंगे। फ्लेम को लो रखना है, मिक्स कर लेंगे और इसमें एक उबाल आने तक हमें इसे कुक करना है। बीच बीच में चलाते रहेंगे। करीबन 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि वह उबल रहा है। अब हमने जो मूंग बॉईल करके रखे थे वह उसके पानी के साथ ही हम इसमें मिला लेंगे। मिक्स करके हमें इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करना है। और इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। करीबन 6 से 7 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं सारे फ्लेवर्स जो है वह अच्छे से मिल चुके हैं।
खट्टा मूंग बिल्कुल तैयार है। बारीक काटे हुए धनिया से हम इसे गार्निश करेंगे और स्टोव को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने चावल के साथ खट्टा मूंग सर्व किया है। आप चाहे तो पराठा या फिर बाजरे का रोटला के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करेंगे। भगवान जी को भोग लगा दिया गया है, आप भी इसे जरूर बनाइए और भगवान जी को भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको भोगा रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जब ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।